हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट्स मीनिंग, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे डोंट गेट वर्क, जिसमें लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको जब काम नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एनी वर्क बोथ फॉर एन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी अगर अपनी अर्निंग के लिए, अपनी कुछ कमाने के लिए अगर जॉब की सर्च में है, जॉब देखता है, कोई काम देखता है और उसे काम नहीं मिलता, देन इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर समवन ऑफ वर्किंग एज इज नॉट एबल टू गेट अ जॉब बट वुड लाइक टू बी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें जब काम नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। तो अगर हम ये पिक्चर देखें तो आपको क्लियर होगा कि बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एक ही काम को सर्च करने के लिए कितने लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। अगर किसी को काम चाहिए, अगर कोई पोस्ट निकलती है, कोई वैकेंसी दिखती है तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देश में बहुत अधिक बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। तो इट मीन्स द पर्सन डजंट गेट एम्प्लॉयमेंट एट ऑल ड्यूरिंग द ईयर, उसे पूरा साल अगर कोई काम नहीं मिलता। द पर्सन आर विलिंग टू वर्क हैव नेसेसरी कैलिबर स्किल कैपेबिलिटी बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वर्क, लेकिन उनको जब काम नहीं मिलता देन इट इज़ नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब अल्प रोजगार। इट मीन्स द पर्सन गेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फ्यू मंथ एंड रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ, उसको केवल कुछ समय के लिए ही काम मिलता है लेकिन कुछ समय के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सेकेंडली इट मीन्स पर्सन्स वर्क्स एट अ जॉब दैट इज बिलो हिज कैलिबर एंड क्वालिफिकेशन, जो उसकी कैलिबर और क्वालिफिकेशन से कम है। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इन विच मोर पीपल आर इंगेज इन अ गिवन जॉब देन आर इक्वली रियली नीडेड, कि जिस काम के लिए हमें जितने लोग चाहिए लेकिन वहाँ पर उस काम में उससे अधिक लोग काम पर लग रहे हैं, तो अगर उस काम में से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए तो फिर भी वहाँ पर क्या है कि उस उनकी जो आउटपुट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम इकोनॉमिक्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ सॉरी लेबर है, वो जीरो होती है कुछ एम्प्लॉयज की, तो उसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से क्लियर है, मौसमी बेरोजगारी। इट मीन्स अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर सीजन, कुछ पर्टिकुलर सीजन में तो उसको काम मिलता है, एंड अनएम्प्लॉयड इन अनदर सीजन, दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड रह जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में होता है कि जब फसल आती है तो उसको काम मिलता है, जब फसल नहीं होती तो उसको काम नहीं मिलता। इसी तरह से बर्फ की जो फैक्ट्री है उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन एजुकेटेड पीपल डोंट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड, अगर जो एजुकेटेड पीपल हैं उनको उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग जब उनको काम नहीं मिलता और तो उसको हम एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब पीपल क्या करते हैं कि एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करते हैं, जॉब को चेंज करते हैं, तब उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। व्हेन पीपल टेक टाइम टू फाइंड अनदर जॉब, व्हेन समवन इज लेड ऑफ चेंजेस जॉब और नीड टाइम टू फाइंड अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल, या अगर कोई जॉब को चेंज करता है देन इट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दैट गोज अप ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, कि अगर कभी तेजी या मंदी की अवस्था में जब बेरोजगारी या कम होती है या बढ़ती है देन इट इज़ नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, सुस्ती आएगी, तो कॉजेज पीपल टू सेव मोर एंड स्पेंड लेस बिकॉज ऑफ इट्स कंपनीज में स्लो डाउन। तो ये अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये केस है कि पीक लेवल होगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी, इट मीन्स लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब आपके पास मंदी होगी या सुस्ती होगी
तब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। इस तरह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन वर्कर्स स्किल्स डोंट मैच व्हाट जॉब्स आर अवेलेबल फॉर, कि जो भी उनकी स्किल्स हैं अगर वो उसको जॉब के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए रिसोर्सेज, नई डिमांड, कुछ भी ऐसा होने की वजह से कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं टेक्निक के परिवर्तित होने से, तो उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टू फाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वी यूज द फॉलोइंग इक्वेशन, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, नंबर ऑफ पीपल इन द सिविलियन लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स कितनी है, क्योंकि हम जो लेबर फोर्स हैं वो किसी भी कंट्री में 15 to 59 years, 15 से लेकर 59 वर्ष तक हम लोगों को मानते हैं कि वो काम करने के एलिजिबल हैं, तो वो कितने लोग हैं कंट्री में, वो आएंगे नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 7 million अनएम्प्लॉयड पीपल एंड देर आर 150 million पीपल इन द लेबर फोर्स, वी हैव द फॉलोइंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगी 4.7% अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके कॉजेज क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के, तो फर्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब जैसे हमें पता है कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास वो इतनी नहीं है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे इंक्रीज़ हो रही है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब है कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनरीज आ रही हैं, तो सारा का सारा जो मशीनी काम हो रहा है उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो भी एक रीज़न है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो हमारे लघु उद्योग हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, जो इन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लेबर काम करती हैं, तो क्योंकि अब ये इंडस्ट्रीज़ कम हो रही हैं तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एग्रीकल्चर अ सीजनल इंडस्ट्री, जैसा कि हमें पता है कि जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल इंडस्ट्री है, उसमें पूरे 12 महीने काम नहीं रहता, तो जो फार्मर हैं वो कुछ समय के लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है उनको। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना पावरफुल नहीं है कि जैसे ही स्टूडेंट स्कूल कॉलेज करके बाहर निकले तो उनको एकदम से एजुकेशन मिल एकदम से जॉब मिल जाए, तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी स्किल नहीं सिखाई जाती जिससे कि बच्चों को स्टूडेंट्स को या जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनको एकदम से जॉब मिल जाए। लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो देश की नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो भी प्रॉपर नहीं है जिससे कि जो लोगों को अच्छे से रोजगार मिले, तो रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार को बहुत अधिक कुछ काम करना होगा। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, इतनी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से सभी लोगों को रोजगार देना मुश्किल हो जाता है। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं है, मोबिलिटी का मतलब है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से मूव नहीं करते, क्योंकि वो अपने घर से जुड़े हैं, कुछ ऐसी उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना नहीं चाहते। टेम्परेरी एंड माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ लेबर, इसका मतलब है कि जो लेबर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव तो करती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, और उनकी जो नेचर है वो माइग्रेशन की होती है कि जल्दी जल्दी से उसको चेंज करना। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स, एक ये भी एक रीज़न है कि पहले जो फीमेल्स हैं वो काम नहीं करती थी, तो जितने भी मेल्स हैं उनको सबको जॉब मिल जाती थी, लेकिन जैसे जैसे जो गर्ल्स हैं उनका एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हुआ है तो वो भी अब जॉब में आ गई हैं, तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स का हो गया है उसकी वजह से जॉब सीकर्स ज़्यादा हैं। इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अधिक इंक्रीज होती जा रही है अपने इंडिया में, जिसकी वजह से हमारे पास देश में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, और इसकी वजह से हमारे पास अर्थव्यवस्था में जॉब सीकर्स अधिक हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।